हेलो एवरीवन, दिस इज़ योर थर्ड चैप्टर मोर ऑन एसएस 2016। इंट्रोडक्शन। द डाटाबेस कंटेन अ लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा इन द फॉर्म ऑफ मल्टीपल टेबल्स। समटाइम्स यू नीड टू रिट्रीव द इन्फॉर्मेशन फ्रॉम दीज टेबल्स और वी नीड टू ऐड डिलीट अपडेट द टेबल्स। ओके, डाटाबेस क्या है? जो मल्टीपल टेबल्स हैं उनमें से लार्ज अमाउंट में डाटा को कंटेन करता है। सपोज We need to retrieve the information in from these table। जो हमने टेबल बनाया है उसमें किसी नेम को ऐड करना है, डिलीट करना है या टेबल को अपडेट करना है। तो इस चैप्टर में पढ़ेंगे, वी विल लर्न हाउ टू क्रिएट अ रिलेशनशिप बिटवीन टेबल्स, क्वेरी क्रिएटिंग फॉर्म एंड रिपोर्ट्स के बारे में। ओके, नेक्स्ट क्या है? प्राइमरी की। प्राइमरी की क्या है? प्राइमरी की यूनिकली आइडेंटिफाई कर लेता है हर रिकॉर्ड को टेबल में से। ओके, टेबल में से हर रिकॉर्ड को क्या कर लेता है? आइडेंटिफाई कर लेता है। नेक्स्ट है सेटिंग रिलेशनशिप बिटवीन टेबल्स। अब ये रिलेशनशिप क्या है? ये एक लिंक है, वन फील्ड है इस टेबल की फील्ड को दूसरी टेबल की फील्ड का, दोनों में क्या है? रिलेशनशिप। अगर दोनों में नेम सेम है तो ये क्या उनका कर रहा है? शो क्या कर रहा है? रिलेशनशिप को। ओके, जिससे फर्स्ट टेबल है जो वो प्राइमरी की है एंड सेकेंड टेबल है जो वो क्या है? फॉरन की। ओके, अभी जैसे टू क्रिएट अ रिलेशनशिप बिटवीन टू टेबल्स, व्हाट इज द स्टेप्स फॉर क्रिएटिंग अ रिलेशनशिप बिटवीन टू टेबल्स फॉलोइंग दीज गिवन स्टेप्स। ओके, फर्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है? उस टेबल को ओपन करो जिसमें आप जिन दोनों टेबलों में आप किसी रिलेशनशिप को क्रिएट करना चाहते हैं। ओके, जैसे ये फर्स्ट टेबल है जो प्राइमरी की फील्ड है इसमें, और सेकेंड में क्या है? फॉरन की फील्ड। प्राइमरी की में ये रोल नंबर है जो, और ये क्या है? फॉरेन की के रोल नंबर। ये क्या है? दोनों सेम है, सेम सेट ऑफ डाटा है दोनों टेबलों में। ये आप देख रहे हैं फर्स्ट के रोल नंबर है, दैट इज़ विल बी सेम इन योर सेकंड टेबल, फॉरेन की फील्ड। दोनों के टेबल सेम है। और इनके बाद आपको सेकंड स्टेप में क्या करना है? ये आप देख रहे हैं डाटाबेस टूल्स, यू कैन क्लिक ऑन डाटाबेस टूल। आपने ये डाटाबेस टूल ओपन किया तो ये आपका ये पेन एक नज़र आई, इसमें आपको रिलेशनशिप का ऑप्शन दिख रहा है। देन यू कैन क्लिक रिलेशनशिप। ओके, फर्स्टली यू कैन क्रिएट और ओपन द टेबल्स बिटवीन विच रिलेशनशिप इज़ टू बी क्रिएटेड, एंड सेकेंड स्टेप इज़ डाटाबेस टूल, देन यू कैन क्लिक रिलेशनशिप। थर्ड स्टेप में आपने रिलेशनशिप को क्रिएट कर लिया, आपकी ये विंडो ओपन हो गई। ओके, ये पेन आई, इसमें आपको फोर्थ स्टेप में क्या करना है? ऐड पे क्लिक करना है। ऐड पे क्लिक करने के बाद फोर्थ स्टेप में आपको फर्स्ट टेबल है जो यहाँ पे ऐड का ऑप्शन दिया हुआ है, आपने फर्स्ट टेबल पे जाके ऐड का ऑप्शन क्लिक करना है। और जो सेकंड टेबल है ये जो आप देख रहे हैं उसमें भी आपने किस पे क्लिक करना है? ऐड पे क्लिक करना है। आपके ये दोनों टेबल आ गए, दोनों में रिलेशनशिप क्या हो गया? क्रिएट हो गया। ओके, दोनों टेबल आने के बाद ये एक एडिट रिलेशनशिप का एक पेन नज़र आएगा आपको। इस पर आपको एक क्रिएट होगा, कैंसिल होगा, जॉइन टाइप होगा, क्रिएट नहीं होगा। तो फर्स्टली यू कैन क्लिक, सेवन्थ स्टेप में आपको क्रिएट पे क्लिक करना है। क्रिएट पे क्लिक करने के बाद ये आपकी दोनों फॉर्म्स आ गई, टेबल वन एंड टेबल टू। ओके, ये आपके दोनों में रिलेशनशिप क्रिएट हो गए, रोल नंबर, नेम, क्लास, एड्रेस, फ़ोन नंबर, ये दोनों का रिलेशनशिप आपको, ये देख रहे हैं आप, ये क्या हो गया? दोनों में लिंक हो गया, रिलेशनशिप हो गया। नेक्स्ट है क्वेरीज। क्वेरीज आर मेड ऑन टेबल्स एंड द रिजल्ट ऑफ ए क्वेरी इज आल्सो डिस्प्लेड इन द फॉर्म ऑफ अ टेबल। क्वेरीज प्रोवाइड एन इफिशेंट वे टू रिट्रीव स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम द डाटाबेस। दे आर लाइक सिंपल क्वेश्चंस। क्वेरी क्या है? जो टेबल में बनती है, जो क्वेरी का रिजल्ट है हमेशा किस पे डिस्प्ले होता है? टेबल की फॉर्म में। ओके, देर आर मेनली फोर टाइप्स ऑफ क्रिएट क्वेरीज। ओके, फर्स्ट वन इज सेलेक्ट क्वेरी, सेकंड इज अपडेट क्वेरी, थर्ड वन इज क्रॉस टैब क्वेरी, एंड फोर्थ इज अपेंड क्वेरी। ओके, फोर टाइप्स की क्वेरी होती हैं। नेक्स्ट है क्रिएटिंग अ क्वेरी यूजिंग क्वेरी डिज़ाइन मेथड। किसी भी क्वेरी को यूज़ करके क्वेरी डिज़ाइन मेथड को क्रिएट करना। ओके, अभी इसमें क्या कौन कौन से स्टेप हैं? फर्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है? डाटाबेस पे जाके ओपन करना है डाटाबेस को, और यहाँ पे एक जिस भी आप डाटा को रिट्रीव करना चाहते हैं। ओके, देन सेकेंड स्टेप में आपको क्रिएट पे क्लिक करना है। ये जो आप टैब देख रहे हैं पूरी, यू कैन सी देयर इज दिस इज क्रिएट। ओके, यू कैन क्लिक क्रिएट, और ये आपकी ये जो नीचे टैब दिखाई दे रही है, ये नीचे विंडो आई
पेन आई है, तो आपको इस पे जाके क्वेरी डिज़ाइन, देख रहे हैं आप क्वेरी डिज़ाइन और क्वेरी विजार्ड, ओके। थर्ड स्टेप में आपको जाके क्वेरी डिज़ाइन पे क्लिक करना है ऑप्शन पे, और क्वेरी ग्रुप है जो वो आ जाएगा, और इस पे आपको जो ये जो टेबल है वो शो होगा। और फोर्थ स्टेप में आपको क्या करना है, ये साइड पे आप जो देख रहे हैं इसमें दोनों टेबल हैं, दोनों टेबल में से आपको शिफ्ट की को दबा के सिलेक्ट कर लेना है। आप दोनों में से जिस भी टेबल को सिलेक्ट करते हैं उसमें एक ऐड का ऑप्शन है नीचे, देन यू कैन क्लिक ऐड ऑप्शन। ऐड के बाद यहाँ पे एक आ जाएगी टॉप पे, एक टू पेंस आएंगी, ओके, टॉप एंड बॉटम, ये आप देख रहे हैं टॉप एंड बॉटम। नेक्स्ट इज टॉप पेन ऑफ क्वेरी डिज़ाइन व्यू, द टॉप पेन डिस्प्लेस द टेबल सिलेक्टेड फॉर द क्वेरीज। ये टॉप, ये दे रही टॉप पेन, और ये क्या है बॉटम पेन, ओके, टॉप पेन एंड बॉटम पेन। टॉप पेन क्या डिस्प्ले करती है, जो भी टेबल में क्वेरी है जो सिलेक्ट की है उसको डिस्प्ले करती है, ओके। अभी बॉटम पेन क्या है, बॉटम पेन ऑफ क्वेरी डिज़ाइन व्यू, बॉटम पेन डिस्प्ले द डिज़ाइन ग्रिड ऑन विच यू कैन एड फील्ड इन टू द क्वेरी। द डिज़ाइन ग्रिड कंजिस्ट ऑफ द फॉलोइंग एटम एलिमेंट्स, ओके। बॉटम पेन किसी जो ग्रिड डिज़ाइन है उसको डिस्प्ले करती है जिस क्वेरी को आप उस फील्ड में ऐड करना चाहते हो, जैसे फील्ड टेबल सॉर्ट शो क्रिटेरिया। फील्ड क्या है, वह रो जो क्या है टेबल में से सिलेक्टेड फील्ड है उसको डिस्प्ले करती है। नेक्स्ट इज टेबल, टेबल क्या शो करता है, नेम्स ऑफ द टेबल्स जिस फील्ड को हम सिलेक्ट करते हैं। सॉर्ट क्या है, वह रो जिसे हम डाटा को फिल्टर करने के लिए यूज़ करते हैं असेंडिंग ऑर्डर में और डिसेंडिंग ऑर्डर में, सीक्वेंस में और अनसीक्वेंस में। शो क्या है, वह रो डिस्प्ले करती है चेक मार्क्स को, दी रो डिस्प्ले द चेक मार्क्स, दी फील्ड दैट कंटेन द चेक मार्क्स डिस्प्ले द इंफॉर्मेशन व्हेन द क्वेरी इज बीइंग रन। उस मार्क्स चेक मार्क्स को डिस्प्ले करती है उस इन्फॉर्मेशन को जो क्वेरी हो रही होती है, ओके। नेक्स्ट इज क्रिटेरिया, क्रिटेरिया क्या है, द रो होल्ड्स द कंडीशंस ऑन द बेसिस ऑफ विच द रिकॉर्ड विल बी फिल्टर इन द क्वेरी आउटपुट। उस रिकॉर्ड को, उन रिकॉर्ड को फिल्टर करती है जो क्वेरी आउटपुट में हमें मिली है। सिक्स स्टेप क्या है, किसी उस फील्ड को हमें डबल क्लिक करना है जो टेबल के टॉप पेन में अवेलेबल है, डबल क्लिक करना है, ओके। सेवन्थ स्टेप में क्या करना है, आपको सर्च क्राइटेरिया में उस फील्ड को सेट करना है, और ये जो बाय क्लिकिंग ऑन द सेल इन द क्राइटेरिया नाउ, जो सेल है क्राइटेरिया का उस पर क्लिक करके, ओके। एट्थ स्टेप में आपको रन पे क्लिक करना है और आपका रिजल्ट है जो वो एग्जीक्यूट हो जाएगा क्वेरी का, ओके। नेक्स्ट इज फॉर्म, फॉर्म क्या है, यू मस्ट हैव फिल्ड वेरियस काइंड ऑफ फॉर्म्स टू फिल द डिटेल्स। आप अलग अलग फील्ड में, फॉर्म में अपनी डिटेल को फिल करते हो, जैसे सपोज रोल नंबर हो गया, नेम हो गया, क्लास और मार्क्स वगैरह, ओके। असेसर प्रोवाइड्स फॉलोइंग थ्री व्यूज ऑन फॉर्म्स, तीन व्यू में आपको ये फॉर्म है जो वो प्रोवाइड होती है, जैसे फर्स्ट में फॉर्म व्यू हो गया, नेक्स्ट इज लेआउट फॉर्म व्यू हो गया, और थर्ड वन इज डिज़ाइन व्यू। यू कैन क्रिएट बाई डाइग्राम, ओके, इन योर नोटबुक। क्रिएटिंग ए फॉर्म कैसे होता है, आपको किसी भी फॉर्म को क्रिएट करने के लिए ये वाले स्टेप्स को फॉलो करना होगा। फर्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है, नेविगेशन पेन पे जाना है, और नेविगेशन पेन पे जाके आपको टेबल नेम पे डबल क्लिक करना है, तो ये आपका टेबल क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा फर्स्ट स्टेप में। और सेकेंड स्टेप में क्या करना है, सेकेंड स्टेप में ये जो आप क्रिएट देख रहे हैं, क्रिएट पे क्लिक करोगे तो आपको ये पूरी टैब दिखाई देगी। इस टैब में आपको फॉर्म पे क्लिक करना है, ये आप फॉर्म देख रहे हो, थर्ड स्टेप में आपको फॉर्म पे क्लिक करना है और ये आपकी फॉर्म की व्यू आ जाएगी, ओके। नेक्स्ट फोर्थ स्टेप में आपको क्या करना है, जैसे फॉर्म पे आपने क्लिक किया तो ये विंडो आ गई, ओके। फोर्थ स्टेप में यू कैन क्लिक, ये आप देख रहे हैं रिकॉर्ड पे नेविगेट करना है इसको पूरा रिकॉर्ड नेविगेशन बार पे, ओके। फिफ्थ स्टेप में आपको क्या करना है, प्रेस कंट्रोल प्लस एस की, दी सेव एज डायलॉग बॉक्स अपीयर्स। आपको कंट्रोल प्लस एस की को दोनों को प्रेस करके रखना है,
तब सेव आ जाएगा। सिक्स स्टेप में आपको क्या करना है, यहाँ पे क्लिक करना है और ये फॉर्म 1, 2 एनी थिंग यू कैन वॉन्ट टू गिव एनी नेम, ओके। नेम देने के बाद आपको ओके पे क्लिक कर लेना है, ओके। नेक्स्ट इज रिपोर्ट्स। रिपोर्ट्स आर यूज टू ऑर्गेनाइज एंड समराइज अ लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा फॉर व्यूइंग एंड प्रिंटिंग। रिपोर्ट्स क्या है, रिपोर्ट किस लिए हम यूज़ करते हैं, किसी भी टेबल को, डाटा को हम ऑर्गेनाइज कर देते हैं उसको लार्ज अमाउंट में समराइज करने के लिए। सपोज आपका रिपोर्ट कार्ड, रिपोर्ट कार्ड में क्या है, आप सपोज़ आपके फर्स्ट सेम के एग्ज़ाम्स के मार्क्स हैं, सेकंड सेम के एग्ज़ाम्स के मार्क्स हैं और थर्ड सेम के एग्ज़ाम्स के मार्क्स हैं, उस रिपोर्ट कार्ड में आपको तीनों टर्म के मार्क्स हैं जो वो मिलते हैं, और आप तीनों को, तीनों सेमेस्टर के मार्क्स को देके अपनी पोजीशन का एक एस्टिमेट लगा सकते हो, और लास्ट में आपको फाइनल रिज़ल्ट मिल जाता है कि ये फर्स्ट सेम में क्या रिपोर्ट थी, सेकेंड में फर्स्ट है, सेकेंड है और थर्ड में क्या प्रोग्रेस है। तो रिपोर्ट कार्ड क्या करता है, लार्ज अमाउंट में हम डाटा को ऑर्गेनाइज करते हैं, समराइज करते हैं और उसको बाद में क्या करते हैं, डाटा को व्यूइंग करने के लिए और प्रिंटिंग करने के लिए रखते हैं। नेक्स्ट इज क्रिएटिंग ए रिपोर्ट। अभी रिपोर्ट कैसे क्रिएट करते हैं, फर्स्ट स्टेप में सिलेक्ट द टेबल विच यू वॉन्ट टू क्रिएट द रिपोर्ट। उस टेबल को सिलेक्ट करें जिसमें आप रिपोर्ट को तैयार करना चाहते हैं, और सेकेंड स्टेप में आपको क्रिएट टैब पे क्या करना है, क्लिक करना है, ये जो आप देख रहे हैं क्रिएट पे क्लिक करना है। थर्ड स्टेप में आपको रिपोर्ट ऑप्शन पे जाना है, ओके। क्रिएट पे क्लिक करने के बाद थर्ड स्टेप में क्या है, रिपोर्ट पे आप क्लिक करते हैं तो ये एक रिपोर्ट ओपन हो जाती है, लेआउट हो जाती है, ओके। ये लेआउट होने के बाद फोर्थ स्टेप में आपको रिपोर्ट व्यू पे क्लिक करना है, ओके। यू कैन सी देयर, ये क्या है, रिपोर्ट 4, आपको इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको फिफ्थ स्टेप में कंट्रोल प्लस एस को, जैसे हमने पीछे प्रेस करके सेव एज का ऑप्शन निकाला, वैसे ही सेव एज ऑप्शन का ऑप्शन आ जाएगा, और सिक्स स्टेप में आपको इस पर क्लिक करके जो भी आप नाम चाहते हो वो उसको दे सकते हो, रिपोर्ट 1, 2, 3 एनीथिंग इफ़ यू वॉन्ट, ओके। उसके बाद आपको क्लिक पे जाना है और ओके पे जाना है और क्लिक कर देना है। नेक्स्ट है प्रिंटिंग ऑफ रिपोर्ट। किस रिपोर्ट को आप प्रिंटिंग कैसे करें, यू मे प्रिंट द रिपोर्ट दैट यू गेट एज लॉन्ग एज द प्रिंटर इज इंस्टॉल्ड इन द कंप्यूटर सिस्टम। रिपोर्ट को प्रिंटिंग करने के लिए आपका प्रिंटर जो भी इंस्टॉल है वहाँ पे जाके उस रिपोर्ट को आप प्रिंट करके निकाल सकते हैं। टू प्रिंट द रिपोर्ट्स फॉलोइंग गिवन स्टेप, फर्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है, उस रिपोर्ट को ओपन करना है जिसे आप प्रिंट करना चाहते हो, और सेकंड स्टेप में आपको प्रिंट प्रीव्यू पे जाना है। जैसे ऊपर आप एक टैब देखते हैं वहाँ भी, जैसे ये आपने प्रिंट का ऑप्शन निकाल दिया, प्रिंट पे क्लिक करते हैं तो ये आपको एक डेस्कटॉप पे एक व्यू आ जाता है, इसमें आपको जाके प्रिंट प्रीव्यू पे करना है। प्रिंट प्रीव्यू का मतलब है आप देख सकते हैं कि हमारा प्रिंट है जो वो पूरे पेज में सेटअप आ रहा है या वो निकलने में कैसा हमें शो हो रहा है। थर्ड स्टेप में आपको प्रिंट पे क्लिक करना है, और प्रिंट पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे ऑल है, अगर आपके ज़्यादा पेज है तो आप ऑल पे सिलेक्ट कर सकते हैं, और अगर आपके पेज 1 से लेके 5 तक, सपोज़ आपके 10 पेजेस हैं और आप 1 से लेके 2 पेज 5 पेज तक निकालना चाहते हो, आप 1 से लेके 5 तक कर सकते हो, और कितनी कॉपीज़ निकालना चाहते हो उसके इफ़ यू एनीथिंग डू यू वांट, ओके। जो भी आप निकालना चाहते हो उसके बाद आपको ओके पे क्लिक करना है और आपका प्रिंट आउट निकल जाएगा। सो दिस इज़ योर कम्प्लीट चैप्टर 3। इफ़ यू हैव एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स यू कैन फ्रीली आस्क मी, ओके। थैंक्स।